इतनी आसानी से रिवॉल्व हो जाएगा मुझे अंदाज़ा नहीं था। वाकई में दोस्तों ये प्रोडक्ट जो इस बार लेके आया है छिन ली काफ़ी शानदार है। सो हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवतन अग्रवाल, आज फिर एक नया प्रोडक्ट आपके लिए रिव्यू के साथ प्रैक्टिकल। ये है छिन ली का, जो स्टूडेंट आईफोन का काम करते हैं तो भाई उनके लिए सौगात है, ये परचेस कर लो भाई, ये बहुत अच्छा है। ये है छिन ली का एकदम नया लेटेस्ट, आपका मिडिल फ्रेम जो उसकी लेयर्स होती है उसको रिवॉल्व करने का स्टेंसिल्स हैं, उसके साथ उसकी फ्रेम भी है। और ये वर्क करेगा दोस्तों एक्स और एस एक्स मैक्स पर, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सिक्योर और प्रोटेक्टिव है। ये आपको प्रोटेक्ट भी करेगा आपके फ़ोन में किसी प्रकार की जो एक्स्ट्रा जो PPD जो कहीं फैल जाता है वो फैलने से भी रोकेगा। तो ये समझाने के लिए वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इसका मैं एक बार रिवॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे आईफोन एक्स की जो लेयर है वो रिवॉल्व की जाए, ये भी देखिए, और साथ में इस स्टेंसिल का क्या यूज़ है ये भी देखिए। और अगर आपको इसको परचेस करना है तो आप ZS मलिक से परचेस कर सकते हैं, नंबर आपको यहाँ दिख रहा होगा। ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीदना सिर्फ ZS मलिक से घर बैठे एक फ़ोन कॉल पे या व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। तो देखिए ये है छिन ली का मिडिल फ्रेम रिवॉल्विंग प्लेटफॉर्म, इसमें क्या क्या है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्वालिटी एक नंबर है और वाकई में मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे इन्होंने अपना प्रोडक्ट का डेमो वाला प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम डाला हुआ है QLI दैट मीन छिन ली। बहुत लोग इसको काइंडली भी बुलाते हैं, छिन ली काइंडली कोई भी बात है कुछ भी कह लो। तो ये इसका फ्रेम है और ये मैग्नेटिक फ्रेम दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसको उठाने के लिए देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है, ये देखिए तो काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है और ये आपको एक बार में रिवॉल्व कर देगा, मैं सच बता रहा हूँ, कोई भी बॉल नहीं छूटेगी। ये इसकी स्टेंसिल्स हैं, ब्लैक स्टेंसिल्स मिलती है इसके साथ, ये देखिए तो ये स्टेंसिल्स हैं और उसके साथ ये आपको प्रोटेक्शन के लिए। तो इसका यूज़ बताऊंगा कि ये सिम कार्ड के लिए, जो कि सिम में जो अननेसेसरी आपको जब रिवॉल्व करते हैं तो आपका जो PPD होता है वो घुस जाता है, तो ये उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो चलिए इसको भी हम यूज़ करेंगे, ये देखिए तो काफ़ी अच्छा ये स्टेंसिल्स मुझे लगा, इसलिए मैंने इसको परचेस किया अपने काम के लिए। तो आई होप कि आप भी इसको परचेस करें। यहाँ पर दो आपको देखने को मिलेंगी, एक मिलेगी एक्स के लिए और एक मिलेगी SX और SX मैक्स के लिए। तो चलिए सबसे पहले एक्स, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अभी जो फ़ोन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, इसको मैं रख देता हूँ किनारे। यहाँ मेरे पास में जो है ये है आईफोन एक्स, ये इसका लोअर लेयर है, लोअर बोर्ड इसको हम बोल सकते हैं, जो हमारा बेसबैंड या नेटवर्क का हमारा जो बोर्ड है। तो इसकी लेयर को हम सबसे पहले इसको रिवॉल्व करेंगे, चलिए आप देखिए यहाँ पर।
बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से फिट हो चुका है। ये स्टेंसिल रखेंगे हम इस पर। देखिए कितने अच्छे से ये, देखिए पूरे बॉल्स दिखे दे रहे होंगे। देखिए मतलब मुझे एक बार भी इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखिए सारे बॉल्स आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए कैसे फिट हो चुका है। ये देखिए सिर्फ आपको हीट देनी है, प्रॉपर पूरा गैप इसने बना के रखा हुआ है, सिर्फ आपको हीट देनी है। दोस्तों ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है और अब ये रिबोल करना काफ़ी इजी हो चुका है। और देखिए यहाँ पर जो पीपीडी चला जाता है उसके लिए देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है। ये चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको कैसे मैंने यहाँ पर सिम ट्रे के बगल में इसको फंसाया हुआ है। अब ये पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो चुकी है, अब ये पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो चुकी है, देख रहे हैं आप। अब इस पर हम पीपीडी लगाएंगे। आपको पता होगा पीपीटी कौन सा लगता है इस पर, नहीं पता तो कमेंट करो, मैं कमेंट पे बताऊंगा सब लोगों को।
इतनी आसानी से यार, छुआ भी नहीं स्टेंसिल को, देखिए, और इतनी गर्म भी नहीं हुई है, देखिए मैं आसानी से पकड़ा हूँ, देखिए कितनी आसानी से ये रिबॉल हो चुकी है। कमाल है ये प्रोडक्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट ये लेकर आया है, देखिए। ये आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, एक बॉल मिस हो गया मेरे से, और वो बॉल हम देखते हैं पीपीटी लगाने में लगा ही नहीं होगा, ये देखिए यहाँ लगा हुआ है, तो उस बॉल को हम यूज़ कर लेंगे। चलिए, तो वो वॉल भी डन हो गया। तो इतनी आसानी से रिवॉल्व हो जाएगा मुझे अंदाज़ा नहीं था। वाकई में दोस्तों ये प्रोडक्ट जो इस बार लेके आया है छिनली काफ़ी शानदार है, ये लेना ही है आपको। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतने अच्छे से रिवॉल्व कर पाया। मैं आपको क्लीन करके एक और बार दिखाता हूँ, ये देखिए स्टेंसिल कहीं पे भी आपको नहीं दिख रहा होगा, बॉल कहीं अटका होगा। स्टेंसिल भी बहुत अच्छी है और अब एक भी रिबॉलिंग वन टाइम ही होगी सारी। कमाल है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट पर्सनली, और इस बार इसका रिव्यू करने में बहुत मज़ा आया। होप स्टेंसिल में भी कुछ ऐसा ही मिल जाए कि हमारे को CPU रिबॉल करने में बहुत आसानी जाए, जो नए स्टूडेंट हैं वो वन टाइम CPU रिबॉल कर सकें आईफोन के। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट फाइनल किस तरह का रहा इसका, देखिए देखें कितना कमाल का है। देखें कहीं भी एक बॉल बड़ा नहीं हुआ, सारे बॉल बराबर हैं। देखें ईच एंड एवरी बॉल यहाँ पर बना हुआ है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो बताएगा ज़रूर,
सो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर, और लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करके जाइए। अगर आप नहीं करेंगे तो आप आने वाले कुछ वीडियो मिस कर जाएंगे, क्योंकि मैं आने वाले वीडियो में और भी नए टूल लेकर आने वाला हूँ। मैंने बहुत सारे टूल परचेस किए आईफोन को लेकर, मैं एक टूल उसमें दिखाना चाहता हूँ, एक खास यूवी ग्लू, मैं इसके बारे में बताऊँगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर यूवी ग्लू डालने के बाद हमारे जंपर निकल जाते, क्यों निकलते हैं भाई? चलिए इसके लिए मैं और भी आऊँगा आपके लिए टूल लेकर। और अगर आपको ये टूल परचेस करना है तो आप ZS Malik को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।